सम के व्यूवर्स, वंस अगेन मिस खान हेयर टू शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद यू। आज की छोटी सी बात जो बहुत अहम भी है और डेली लाइफ की भी है। आपके रिलेटिव्स, आपके करीबी दोस्त, आपके जानने वाले आपको बहुत सारी जगह पे इख्तलाफात का सामना करना पड़ता है। इख्तलाफात में बाज़ औक़ात बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल जाते हैं कि लोग किरदार कशी तक करने पे लग जाते हैं। सिर्फ इतना यकीन रखें, सिर्फ इतना बिलीव रखें कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, किसी के गंदा कहने से आप गंदे नहीं हो जाते। आपका अपना स्ट्रोंग होना ज़रूरी है, आपका अपने किरदार का मजबूत होना ज़रूरी है। आप किसी को जवाब देने ही हैं, मगर सिर्फ एक जवाब दें हैं तो अल्लाह की ज़ात को। उसके नाफरमानी ना करें, उसकी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, उसकी हदूद की पामाली ना करें, अपने किरदार में मजबूत रहें। दुनिया आपको कुछ भी कहे, कुछ भी करती रहे, आप इस तरह माइंड बना लें कि नन ऑफ योर बिजनेस, कि वो आपको उन चीज़ों से मकसद ही नहीं है, आपका कोई वास्ता ही नहीं है। वो जो करते हैं, जो बोलते हैं, जो किरदार कशी करते हैं, करने दें, क्योंकि एक वक्त आएगा वही लोग आपको अपना भी मानेंगे, वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, वही लोग आपके लिए अच्छे अल्फाज भी बोलेंगे। सिर्फ अपने खुदा पे यकीन रखें, अपने किरदार पे कोई बात ना आने दें, अपने आप को गलत रास्ते पे ना लेके जाएं, अपने आप को मजबूत रखें। दुनिया का क्या है, दुनिया तो मस्जिद से निकलने वाले इंसान को भी अल्लाह माफी कैसे क्या बात करते हैं। मस्जिद में बैठ के लोगों की गीबत कर रहे होते हैं, लोगों की किरदार कशी कर रहे होते हैं, तो दुनिया की परवाह ना करें। हाँ, ऐसा कोई कदम ना उठाए, आप को अपना ज़मीर आपका जवाब देता है कि अगर आप प्रॉपर अल्लाह की ज़ात के साथ अटैच हैं तो आपका ज़मीर हर वक्त आपको गलत सही, इवन कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, आपको छोटी छोटी चीज़ में वो कहेगा नहीं नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, नहीं यहीं रुक जाओ, ये कर लो, ये ना करो। ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इवन आप किसी से कोई बात बताना चाह रहे होते हैं और नहीं बताना चाह रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी होते हैं, तो आपकी अगर ये छठी हिस्स या ज़मीर आपका या कॉन्शियस माइंड आपका वर्क करता है ना, तो आपको मेरे साथ जाती तो फिर अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो वो फिर मेरे दिल में फ़ौरन एक अच्छा छुपा तो रही हूँ, किसी से भी पता चलेगी फिर इसको वो चीज़ गलत लगेगी, अल्लाह तो सुन रहे हैं, फिर मैं इससे ये बात गलत कर रही हूँ, ये गलत हो जाएगी। ये मेरे साथ होता है और मैं करती हूँ, तो मीन्स कि मुझे फौरन वो अपना बैरोमीटर मेरा ऑन होता है और मुझे अपनी करेक्शन करनी पड़ती है, तो मैं ब्रूटल सच बोलती हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे मकाम पे लोग मुझे इतना सच सुनने के बाद बहुत ज़्यादा जो दुनियादारी के लोग हैं वो मुझे बहुत सारी जगहों पे गलत कंसीडर करते हैं और मेरी उस सच को झूठ कंसीडर करते हैं कि इतना सच कोई नहीं बोल सकता बहुत सारे मकाम पे। हाँ, ऐसे मकाम पे जो आपको झूठ बोलना पड़ जाता है या किसी का लिहाज रखना पड़ जाता है या किसी का पर्दा रखना पड़ जाता है, आपके साथ कोई आप बस जिस चीज़ का अल्लाह ने वादा किया आप उस पे छोड़ दें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह इंशाल्लाह अच्छा करने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद मी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।